हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। You are very short-tempered. जितना हो सके साफ लिखो, उसे इंग्लिश में कहेंगे write as neatly as you can. Write as neatly as you can. मेरी आंखों से दूर हो जाओ, उसे इंग्लिश में कहेंगे Get out of my sight. Get out of my sight. माफ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सकी, उसे इंग्लिश में कहेंगे I'm sorry, I got late. I'm sorry, I got late. तुम बड़े चालू आदमी हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, उसे इंग्लिश में कहेंगे वी लैक नथिंग। वी लैक नथिंग। मुझे बहुत सी बातें करनी है, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, उसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू मेंड योर वेज। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ, उसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ सेटल द मैटर समहाउ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। बात को अधिक न बढ़ाओ, उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें। यह सब तुम्हारे कारण हुआ, उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इसके जिम्मेदार तुम हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हिसाब साफ रखो, उसे इंग्लिश में कहेंगे कीप द अकाउंट्स क्लियर। कीप द अकाउंट्स क्लियर। क्या आप मुझे 100 रुपये उधार देंगे, उसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू लैंड मी 100 रुपीज। कैन यू लैंड मी 100 रुपीज। बक बक मत करो, उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। क्विज टाइम। जितना हो सके साफ लिखो, इसके जिम्मेदार तुम हो। हिसाब साफ रखो। इन सभी का इंग्लिश सेंटेंस याद रखें। आपके आंसर मुझे कमेंट करना ना भूलें। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।